मैं आप सब की ओर से परम पूज्य गुरुदेव जी से विनम्र प्रार्थना युक्त निवेदन है कि हे प्रभु, हम लोग को अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी हम लोगों पर कृपा करें। जय माँ गुरु, जय माँ सर्वेश्वरी। कीर्तन के साथ अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। नमो शक्ति नमो शक्ति उपस्थित मेरी अन्यात्मा,
जैसा कि आप लोग जान रहे हैं आज नवरात्रि के सप्तमी अष्टमी तिथि के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। जीवन में हर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है और उसी के लिए मनुष्य हर तरह का उपक्रम करता है, कर्म करता है, सत्कर्म करता है, ध्यान धारणा पूजा करता है। तो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि हमको सुख शांति के लिए किस तरह के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। विषयों के पीछे आदमी भागते हुए नजर आते हैं, आ रहे हैं। वे समझते हैं कि विषय में सुख है, विषय पा लेने में, विषय को भोगने में, इसलिए हर तरह के प्रयास करके उन विषय को, भोगों को पाने की कोशिश करते हैं। जब वह मिल जाता है उसे भोग लेते हैं, उसका लाभ उठा लेते हैं, तब उनको धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि मैं जो आशा किया था, मैं जो सोचा था, ऐसा नहीं है। उसी समय पूर्व वे समझते हैं कि भोगों में ही आनंद का स्रोत है, उस भोग को प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन का ध्येय और सौभाग्य है। लेकिन उसको भोगने के बाद, प्राप्त कर लेने के बाद उनको यह महसूस होता है कि यह आनंद रहित और दुखपूर्ण है। तो बंधु, इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी भोग में आनंद अथवा दुख नहीं होता, यह हमारा भ्रम है। अगर उसमें आनंद होता तो उसको प्राप्त कर लेने से मनुष्य के जीवन में दुख ही नहीं आता, सदैव के लिए वह आनंद हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जो देखते हैं कि भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, फिर भी वे दुखी हैं। और हर मनुष्य एक दूसरे के साधनों को देखकर, वह हमसे ज्यादा सुखी है, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, हमको भी ऐसा प्राप्त कर लेना, इसके लिए दुखी होता है। दूसरा किसी तीसरे का देखता है, तीसरा किसी चौथे का देखता है। इस प्रकार से हर कोई एक दूसरे के सुखों को देखकर दुखी है। वह नहीं समझता है कि मैं जैसे दुखी है वैसे ही अगला भी दुखी है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, क्योंकि भौतिक संसाधन हमें सुख नहीं दे सकते, क्षणिक सुख मिलता है, फिर भी हम उसके पीछे लगे हैं। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा धर्मग्रंथ भी कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर हमारा जीवन जीना है हमें तो अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए तन ढकने के लिए, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए मकान भी चाहिए। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं उतना तो चाहिए, पर मैं यह कह रहा हूं कि आप उसी को सब कुछ समझ लेते हैं और उसी के लिए सारा समय अपना लगा देते हैं, इसका परिणाम बुरा हो जाता है। वही सब कुछ है और वही सब कुछ समझने का परिणाम यह होता है कि हम लोग मृतिष्ठा की भांति उसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं। एक सुख मिला, उसको उपयोग कर लिया, उसको परिपूर्ण भी नहीं किया, तब तक फिर दूसरे सुख की कामना हो जाती है, फिर तीसरे सुख की कामना हो जाती है। इस प्रकार उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलता है।
और मिर्गा की तरह जैसे वो जल उसको दिखाई देता है, मृत्युषणा सोचता इसमें जल है, इससे आगे जल है, वहाँ नहीं जल मिला तो सोचता उसके आगे जो दिख रहा है उसमें जल है, वहाँ तो जल है नहीं। जल तो सिर्फ सूर्य की किरणों के बालू पर रेत पर परिवर्तित होने से वह ब्रह्म दिखाई दे रहा है, जल वहाँ जल होता नहीं है। इसी प्रकार से भौतिक संसाधनों में सुख होता नहीं है, वह हमारा भ्रम है, इसमें सुख है। और जब तक हमारे भ्रम का निवारण न हो जाए, जब तक हम सत्य को न समझ जाएं, तब तक हम किसी और को खोज भी नहीं सकते। जब जान ले भाई इसमें नहीं है वह सुख, तो मनुष्य सोचे कि उस सुख को कहां खोजें। वह छाया की भांति उसको दौड़ाता है, दौड़ते जाता है, छाया उसे पकड़ में आती भी नहीं। वो जितना ही भागता है छाया उतनी ही आगे जाती है। और इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, सारा जीवन चला जाएगा। फिर बुढ़ापा में मनुष्य रोता है, दोषारोपण करता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। किस पर दोष लगाता है? काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर। समय ने हमारा साथ नहीं दिया, कर्मों ने हमारा साथ नहीं दिया, ईश्वर ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे बंधु, आप कर्म ही वैसा किए कि आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसमें ईश्वर और समय का तो कोई दोष है ही नहीं। हम लोग ऐसा कार्य ही करते हैं जिसका परिणाम कुछ न मिले, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम उपार्जन करते हैं, धन संपत्ति जगह जमीन सोना चांदी जो कुछ भी करिए, क्या यहाँ से कोई लेकर गया है? आज तक कुछ नहीं लेकर जाते हैं। एक सुई भी यहाँ से कोई लेकर के नहीं गया है, न जा सकता है। यहाँ बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आए, बड़े बड़े महापुरुष लोग आए, सब समय काल के अनुसार से यहाँ से चले गए, कुछ लेकर के नहीं गए। लेकिन किसी ने हमारे लिए मार्ग छोड़ा, एक रास्ता छोड़ा, एक विचार छोड़ा, जिस पर चलकर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और किसी ने नाम जस कीर्ति छोड़ा और किसी ने अपजस भी छोड़ा। ऐसे भी बहुत से लोग यहाँ से गए हैं, धन संपत्ति बहुत कमा ली। अरे धन संपत्ति तो गुंडे लखेरे भी कमा लेते हैं, वेश्या लोग भी कमा लेते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं है उसमें, शांति नहीं है उसमें, सुख नहीं है उसमें, आनंद नहीं है। तो हम उन महापुरुषों की बात को जो है माने, जिसको वचन प्रमाण कहा गया है, आप तो वचन कहा गया है कि देखो संसार की तरफ दौड़ने से, संसार के जो है संसाधनों से, और अभी तक आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा, क्यों जो भी आप जुटाना चाहते हैं जो जुटाते रहते हैं, लेकिन क्या उसमें आपको संतुष्टि मिल जाती है? आप उसमें संतुष्ट हैं और आप कुछ चाहते हैं उसमें भी नहीं होता है। तो इससे अलग हटकर हम क्या करें कि हमारे मन में संतुष्टि हो, हमारे मन में शांति हो, हमारे आनंद आनंद की अनुभूति हो? वह तो हमारे अभ्यंतर में है, वह अभ्यंतर में सुख है, अभ्यंतर में आनंद है। लेकिन जब तक हम बाहर दौड़ते हैं तब तक वह हमें बोध नहीं होता है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं तुम उसके पीछे भागो मत, घूम जाओ। घूमना क्या है? अपने अभ्यंतर की तरफ मुड़ना है, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए हमें कुछ कार्य करना है। अंतःकरण हमारा पवित्र कैसे हो सकता है? और अंतःकरण जब निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि हम अनुष्ठान भी करते हैं तो उसमें भी हम कई तरह का अपना उद्देश्य रखते हैं। कोई कुछ पाने के लिए करता है, कोई कुछ पाने के लिए करता है, जब यह हो अनुष्ठान हो, और जो जिस उद्देश्य से करता है उसको प्राप्ति भी होता है। पहले भी होता रहा है, पुरानी परंपरा है भारत की, उत्तरेष्टि जब होता रहा है, वर्षा के लिए जब होता रहा है, और भी कई चीजों के अपना कार्य को साधने के लिए यज्ञ होते रहा है, अनुष्ठान होते रहा है। लेकिन उससे जो कुछ मिलता है वो क्या मिल गया?
अगर हमने स्वर्ग की कल्पना कर लिया, हम बहुत सुख और भोग विलास की कामना कर लिए, वह हमको मिल जाता है, स्वर्ग भी मिल गया, दिव्य शरीर भी मिल गया, स्वर्ग के सुख भोगने के लिए हमको साहस भी मिल गया। लेकिन उसको पुण्य जो मिला हमको, उस पुण्य का भोग पूरा होने पर फिर वहां से हमको नीचे जो है हटा दिया जाता है, फिर हम मनुष्य लोक में भी आ सकते हैं। और ज्यादा ही अपने पुण्य को क्षय कर दिए हैं तो पशु पक्षी तीर्थ योनियों में भी जा सकते हैं, उससे भी नीचे नरकों में भी जा सकते हैं। इसलिए हमको किसी प्रकार की सकाम उपासना नहीं करना, निष्काम उपासना करना, भगवान की प्राप्ति के लिए उपासना करना, अपने अंदर में जो सुख का स्रोत है उस स्रोत को जानने के लिए उपासना करना है। ऐसा जो उपासना करता है तो उसका अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। और निर्मल पवित्र अंतःकरण होने से जो प्रकृति और पुरुष में भिन्नता है उसका बोध होता है, वह प्राप्त होता है, और उसे ही मोक्ष कहते हैं। इसको जाने बिना कि प्रकृति अचेतन, पुरुष चेतन, इसको ईश्वर कहते हैं, का विवेक ज्ञान, भेद बुद्धि का मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसको जानने के लिए हमें प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानना पड़ेगा। प्रकृति जगत का उपादान कारण है और पुरुष त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुणों से रहित होता है, लेकिन अविद्या के कारण वह उसके साथ अपने को सामंजस्य कर लेता है, यही उसका दुख का कारण होता है। जब उस अविद्या रूपी कारण का नाश हो जाता है तो उसका बंधन समाप्त हो जाता है। और यही जो है विवेक ज्ञान मनुष्य को बोध कराता है, जिसके बोध होने के बाद मनुष्य बहुत तरह के अकृत्यों से दूर हो जाता है और जड़ और चेतन के भेद को समझकर चेतन की तरफ बढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है। देखो, संसार में अनेकों जन्मों से हम लोगों का संपर्क रहा है और इस संसार के संपर्क से संचित पाप पुंज भी होता है। जब तक उस पाप पुंज को हम नष्ट नहीं कर देते हैं तब तक हमारी प्रवृत्ति उस ईश्वर की तरफ नहीं होती है, हमारी बुद्धि की, हमारे मन की। और उसको दूर करने के लिए वह छिड़ हो जो हम लोग यह उपक्रम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, शास्त्र वचन का विवेचन कर रहे हैं, सब पुरुषों का संग, अच्छी वाणी बोलना, बहुत तरह के ऐसे विचार हैं, परिग्रह का त्याग, आलस का त्याग, इंद्रियों को विषयों से रोकना, देह तत्व का विचार, रजोगुण तमोगुण को त्याग कर सतोगुण को बढ़ाना, यह सब ऐसे चिंतन हैं, ऐसे विचार हैं जिसको जीवन में उतार कर हम उन सभी पापों को छीन कर अपने चित्त को, अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं। और अंतःकरण पवित्र होने से मनुष्य संसार के सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको अंतःकरण पवित्र होने से उसको ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूं। शरीर से अलग वह चेतन है,
मैं कौन हूं इसका ज्ञान हो जाना, शरीर नहीं मैं हूं, आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो जाना सभी दुखों का अंत होता है। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप जो कर्म करते हैं, मैं ये नहीं करता हूं आप बिल्कुल कर्म का परित्याग कीजिए, कर्म को करिए, लेकिन उसके साथ ये मत समझ लीजिए कि यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके साथ आप यह सोचिए कि इसके साथ हमको और किस चीज करना है, जो गुरु परंपरा से हम सीखते आए हैं, अभी भी सीख रहे हैं, उस रास्ते पर भी हमको चलना है, ध्यान धारणा करना है, जो मैंने अभी बताया इन सब विचारों को अंगीकार करना है, ताकि हम उस सुख के, उस शांति के, उस आनंद के मूल स्रोत का अनुभव कर सकूं, अनुभूति कर सकूं। वह स्व अनुभूति होता है, उसको वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, कोई उसके बारे में उदाहरण देकर आपको बता सकता है। ये संसार की चीजों को बोध करने के लिए तो प्रमाण होता है, जिस प्रमाण के माध्यम से आप देखते हैं। इस परमाणु पर भी हमारे दार्शनिकों का मतभेद है, लेकिन प्रमुख रूप से तीन प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष जो अपने आंखों से देखते हैं और उसको आप मानते हैं कि हाँ यह सत्य है। अनुमान जो अपने आंख से आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके समकक्ष, उसके समान किसी चीज को देखकर उसका अनुमान लगा रहे हैं। जैसे अग्नि को आप समान सामने देख लिए और आप सुने हैं कि अग्नि से धुआं निकलता है, तो दूर में अग्नि दिखाई आपको नहीं देता है, लेकिन धुएं को देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कि वहां पर अग्नि है। तीसरा है शब्द प्रमाण, जिसको शास्त्र प्रमाण मानते हैं, या संत महापुरुष जन, जो सिद्ध महापुरुष जन हुए हैं, सभी संत जनों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, उनके जो है वचन भी प्रमाण है, उन्होंने जो कहा है कि वह आत्मा नित्य होता है, और इस संसार में जो हम कर्म द्वारा उत्पादित करते हैं वह अनित्य होता है। तो नित्य तुम्हारा साथ है, नित्य तुम्हारा रूप है, नित्य तुम्हारा सहज स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप को जिस दिन पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारी सारी हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे दुख के बंधन टूट जाएंगे और तुम्हें आनंद के सागर में गोता लगाने लगोगे। लेकिन सवाल है कि उसको इन प्रमाणों से नहीं बोध होता है। ये जो प्रमाण है जो मैंने बतलाया, यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको जानने के लिए है, और उस अपने आप का अनुभव इससे नहीं होता है। वह इंद्रियों का विषय नहीं है, वह इंद्रियों का अविषय है, इंद्रियां ही उसकी विषय हैं, इंद्रियां उसके शक्ति से काम करती हैं, इसलिए इंद्रियां उसको पकड़ नहीं सकती। मन भी उसके शक्ति से काम करता है, बुद्धि भी उसकी शक्ति से काम करती है, इसलिए भी उनको नहीं पकड़ सकते। वह स्वानुभूति से अनुभव होता है, अपने आप आपको अनुभव हो। जैसे किसी को गुड़ खिला दो, गुड़ खिलाकर उससे पूछिए कि इसका स्वाद कैसा है, तो किस रूप में वर्णन कर सकता है, वर्णन बहुत कठिन है। इसलिए कहा गया कि गूंगे का गुड़ है भगवान, और उसमें भी गूंगा आदमी गुड़ खा लिया तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकता। इसलिए जो उसको अनुभव कर लेता है वह कुछ बोल नहीं पाता है उसके बारे में। इसलिए स्व अनुभव की चीज है, आप स्वयं स्व उसका अनुभव कर सकते हैं, और हर व्यक्ति कर सकता है, हर किसी को यह सुलभ है, किसी के लिए दुर्लभ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए प्रयास नहीं करते, कोई प्रयत्न नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है। जैसे एक सज्जन आए आज, मैं उनसे लिख कर पूछा, बोले हवन करना है, जाप किए हैं, बोले हाँ जाप चल रहा है। मैं बोला दोनों समय करते हैं कि एक समय, तो बोले शाम को तो समय ही नहीं मिलता है, कहीं कहीं फंस जाता हूँ। मैं बोला बंधु 9 दिन तो कम से कम आप एक संकल्पबद्ध होकर, समयबद्ध होकर नहीं कर पा रहे, करना चाहिए। मतलब यह है कि आपके जीवन में इससे महत्वपूर्ण और कुछ काम है, आप इसको महत्व कम दे रहे हैं। यह माला फेरना, यह मंत्र जपना, यह ध्यान करना,
व्यक्ति हमारे लिए क्या करता है, हमको इससे क्या उपलब्धि हो सकती है, यह हमारा कितना संरक्षण कर सकता है। हर तरह के दुखों में, हर तरह की परेशानियों में यह अनुभव नहीं है, इसलिए मनुष्य सोचता है कि हम काम करेंगे वहां से तो हमको 2-4 हजार रुपया मिल जाएगा। तो माला फेरने को लोग बुढ़बकाही समझते हैं, बेवकूफी समझते हैं, जबकि यह माला मन को लाने वाला है, माँ को लाने वाला है। किस माँ को? जिस माँ को क्षीर सागर कहा गया है, जहां पर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, वो क्या है? क्षीर सागर। वह खारा सागर नहीं है, समुद्र नहीं है, समुद्र का पानी तो खारा होता है, वहां नहीं है, वह माता का हृदय है, जहां पर क्षीर है, अमृत है, जिसको पान करके हर कोई जीवित है और जिसको पान करके हर कोई अपने शरीर को बलिष्ठ बनाता है, हर प्रकार के रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पाता है। तो वह क्षीर देने वाली माँ, उस माता को लाने वाली यह माला, इसको फेरना कितना महत्वपूर्ण है, इसको जिस दिन आप समझ जाएंगे तो अवश्य ही समय निकाल कर, कितना भी आपका महत्वपूर्ण कार्य हो, इस कार्य को करने की तरफ प्रवृत्त होंगे। अभी महत्व नहीं मालूम, बहुत महत्वपूर्ण है बंधु, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी के जीवन की क्या गारंटी है? आप योजना तो बहुत लंबा बनाते हैं, मैंने तो अभी आपको कहा कि बड़े बड़े महापुरुष लोग भी, ज्ञानी लोग भी शरीर को छोड़ के चले गए। आप क्या समझते हैं कि आप कितने वर्ष तक रहने आए हैं, इसकी क्या किसी की गारंटी है? अब समय है कब चला जाए, और जहां से हमको गारंटी मिल सकती है थोड़ा बहुत, यह भाई जहां से हमको बचाव हो सकता है उसी के हम उपेक्षा कर रहे हैं, उसी को हम जो है देखी कर रहे हैं, तो वहां से भी हमको संरक्षण कैसे मिलेगा? तो इसलिए हमारा कहना यह है कि गुरुजनों ने जो हमें मार्ग दिया है, जो एक परंपरा दिया है, उस परंपरा का परिवहन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सालों भर हमको उसको भजन करना है, पूजन करना है, ध्यान करना है, और नवरात्रि का समय जो आता है तो उसमें विशेष रूप से हमको अनुष्ठान करना चाहिए, समयबद्ध होकर सब काम को गौण समझते हुए, तभी हम सुव्यवस्थित हो सकते हैं। और नहीं तो सिर्फ धन कमा लेने से, नाम कमा लेने से नहीं होता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन या सोना चांदी महल और जमीन नहीं है, चरित्र है। चरित्र जो चरित्रवान होता है वह कभी भी जो है अशांत नहीं होता है, वह दुखी नहीं होता है, चरित्र। और इस चरित्र का निर्माण कैसे होता है? अच्छे कर्मों से होता है। अच्छे कर्म करने से चरित्र का निर्माण होता है, जिसके जीवन में किसी तरह के विकार हो, विकृतियां ना हो, पवित्र कर्म करता हो, पवित्र जो है ढंग से रहता हो, गुरु परंपरा में बताई गई वाणियों का पालन करता हो, शास्त्रों को पढ़ता हो, अपनी मर्यादा में रहता हो, जो मनुष्य की मर्यादा बतलाया गया है उस मर्यादा को उल्लंघन न करना, मर्यादा में रहना ही हमारा चरित्र के निर्माण में मददगार साबित होता है। तो संत महात्मा महापुरुषों ने हमें एक मर्यादा दिया है कि किस तरह की मर्यादा में तुम रहोगे। गृहस्थ के लिए भी एक मर्यादा है, संत के लिए भी एक मर्यादा है, किसी को भी मर्यादा को उल्लंघन करना नहीं चाहिए। और चरित्र निर्माण के लिए हमें सत्संग का बहुत महत्व बतलाया गया है। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो यह सत्संग में जाने से क्या करता है? इनकब सादर मज्जन अकरिये पाना, मिटे पाप परिताप किए के। तो सादर मज्जन करने से, उसको पान करने से, सादर मज्जन पान किए थे, मिटे ताप परिताप किए के। तो जब जिस प्रकार से जल में गोता लगाते हैं, नदी में जल प्रवाहित होता है, तो गंगा जल भी है, एक अन्य समान नदियों का भी जल है,
सामान्य नदियों की जल से जिस प्रकार से गंगा जल को पवित्र माना गया है, उसी प्रकार से सत्संग में बहने वाला जल जो भगवान का सुजस रूपी जल है, उसमें गोता लगाने से हमारा काम क्रोध मद मन अहंकार और मोह समाप्त होता है और विवेक पवित्र विवेक का जागरण होता है, हमारा विवेक जागृत होता है। जो विवेक हमको जो है अंतर बतलाता है अच्छाई और बुराई में, जड़ चेतन में, कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य का विवेक ही जो है बतलाता है। तो जिस प्रकार से आप जल में डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है, आप इस संसार से कट जाते हैं, जल ही जल के अंदर रहते हैं, चारों तरफ आपका जल होता है। श्वास को रोककर, श्वास रोकना मतलब एकाग्रचित होकर, उसी प्रकार से आप एकाग्रचित होकर अगर सत्संग में बहने वाले जल में डुबकी आराम से लगाएं और उन बातों को अंदर तक, और मज्जन के अलावा उसका पान भी करना है, तब वह अंदर के अंतःकरण को भी वह पवित्र करता है। डुबकी लगाने से बाहर भी पवित्र होता है, उसका पान करने से अंतःकरण भी पवित्र होता है, अंदर के सारे दुर्गुण दूर होते हैं, सारे विकार हमारे दूर होते हैं। तो विकारों के दूर होने से हमारा हर तरह के जो है ज्ञान जागृत होता है कि क्या हमारे जीवन में क्या करना है नहीं करना है। फिर हमारा किसी के प्रति न ईर्ष्या होता है, न घृणा होता है, न वैमनस्यता होता है। काम क्रोध है और मोह का नाश करने का मतलब हमारा ये नहीं है कि आप काम क्रोध मोह चला गया मतलब है कि आप परिवार को परित्याग कर दिए, सब कुछ छोड़ देना है, नहीं। आसक्ति आपके दुख का कारण है, परिवार आपके दुख का कारण नहीं है। जब ज्यादा आप असक्त हो जाते हैं किसी चीज में तो आपको दुख का कारण बनता है। चाहे आप समाज में रहिए परिवार में रहिए, लेकिन भगवान के समर्पण भाव से आप असक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं तो जिस प्रकार से जल में जो है कमल का पत्ता रहता है, उसी प्रकार से आप पाप रहित हो जाते हैं। जल के ऊपर कमल होता है पत्ता, जल से ही वह जीता है, लेकिन जल में सड़ जाने से वह सड़ जाता है, इसलिए जल से ऊपर रहता है, उसे आसक्त रहता है। आप भी समाज में रहिए, समाज का काम कीजिए, लेकिन समर्पण भाव ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से आप अगर काम करेंगे तो कोई भी पाप आपको छू नहीं सकता है, कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता है, और वह कर्म आपका आपके लिए भी कल्याणकारी होगा, समाज के अन्य लोगों के लिए भी कल्याणकारी होगा। नहीं तो सिर्फ अपने घर परिवार तक ही काम करेंगे तो फिर मनुष्य जीवन क्या है, फिर मनुष्य जीवन की महानता क्या है। जब हम किसी अन्य के लिए काम करते हैं, पुरोकार के लिए काम करते हैं, काम संत लोग भी करते हैं, लेकिन फल और विषयों से अनासक्त होकर काम करते हैं, उनका तन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किया गया काम अंतःकरण की पवित्रता के लिए होती है, वो अंतःकरण को पवित्र करने वाला होता है, क्योंकि उससे वे किसी तरह की आशा नहीं रखते हैं, समाज के लिए जो भी वे काम करते हैं। इसलिए कहा गया है, करता रहे सब कर्म फिर भी न करता काम है, आकाश सा निर्लेप है और धूत उसका नाम है। वह निर्लेप भाव से काम करता है, समाज के लिए जो भी कल्याण की भावना से काम करता है, काम करता है और कर्म का परित्याग नहीं करता है, न कर्म का परित्याग करने की कोई संत हमें शिक्षा देता है। वह अपने घर परिवार से ऊपर उठकर समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए वह काम करता है बिना किसी भेदभाव के, और संदेश भी देता है, उपदेश भी देता है, मार्गदर्शन भी देता है दुख दूर करने का, वह सब उसकी सेवा है।
और उस मार्गदर्शन में चलने से हम बहुत तरह के दुखों से, बहुत तनावों से दूर भी हो जाते हैं। एक ही बार में सब कुछ प्राप्त हो जाए ऐसा आवश्यक थोड़ा है, चलते रहिए। एक बार आप उस भक्ति मार्ग में प्रवेश हो जाएंगे और उसमें चलना शुरू करेंगे तो धीरे 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 आप पहुंचेंगे। अनेक जन्म संसिद्धि कहा गया, ये नहीं है कि हम इसी जन्म में पढ़ते हैं, आँख बंद करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो तरह तरह के विचार हमारे मन में आने लगते हैं। क्या विचार आता है? संसार का विचार आता है तो संसार में तो आप रहते ही हैं, संसार के बारे में चिंतन करते ही हैं, संसार के प्रति अपना शक्ति लगाए रखे ही हैं, तो संसार तो आपको याद आएगा। इसीलिए तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये मनुष्य का बंधन का कारण बन जाता है, दुख का कारण होता है, इसी से दुख होता है। दुख ही लीजिए, राग और द्वेष, आप आंख बंद करते हैं किसका याद आता है? जिसके प्रति आपका राग है, जिसके प्रति आपका ज्यादा लगाव है वही याद आता है। या फिर कौन याद आता है? जिससे आप नफरत करते हैं, किसी से आपका नहीं जमता है, आंख बंद करेगा तो भी आपके विचार कर बहुत बार प्रभावित करता है। राग द्वेष दोनों से ऊपर कैसे उठे? राग से भी ऊपर उठे और द्वेष से भी ऊपर उठे, इसी को तो वैराग्य कहते हैं। ऊपर उठना है, छोड़ना नहीं, अपने राग को व्यापक करना है। आपके राग में सिर्फ आपका परिवार है, परिवार में है पत्नी, बच्चे, माता पिता भी है तो बहुत महान है। नहीं तो परिवार में माता पिता को भी छोड़ करके रखते हैं, पत्नी बच्चे बस इतने को परिवार मानते हैं, माता पिता है। आपके परिवार में और पड़ोसी हो जाए, आपके परिवार में अन्य समाज के आपके लोग हो जाए, उनके लिए भी हम कुछ कर सकें। और हमारा अगर वह बढ़ते गया राग धीरे धीरे, देश के प्रति प्रेम हो गया, राग हो गया, तो वही वैराग हो गया। संत का भी होता है लगाव, लेकिन पूरे देश के प्रति होता है, एक परिवार के प्रति नहीं, एक व्यक्ति के प्रति नहीं। तो वह सत्संग वैराग को बढ़ाने वाला होता है, यह वैराग बढ़ाता है, दूर भगने वाला नहीं, अब सबके लिए काम कीजिए। क्या कर सकते हैं किसी के जीवन के उठाने के लिए, उसके लिए भी हमें सोचना है। और हम किसी से अगर द्वेष करते हैं तो द्वेष करने से भी क्या है, उसका भी तरीका है कि दो तरह से आप उससे अपना जो है बदला लेने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। लेकिन हम तो अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, हम किसी की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो हमारे अंदर गंदे संस्कार भर जाते हैं जो हमें ही फिर नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। हमें तो अपने को महान बनाना है, पवित्र कर्म करके, पवित्र विचार सोच के, चिंतन करके, पवित्र आचरण को अपना के, संत महापुरुषों के रास्ते पर चल के उनके वाणियों को अपना कर हमें महान बनाना है। अपने को इतना महान बनाओ वो आपके सामने छोटा पड़ जाए, जिसे आप नीचा दिखलाना, छोटा दिखलाना चाहते हैं वो छोटा हो जाए, आप महान हो जाओ, आपकी सभी लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन हम अगर उपेक्षा करके अपने को बड़ा बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यह तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा और उसके लिए तो जो है कुछ नहीं होगा, कोई उसका नुकसान हम नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में हम कितना भी कुछ भी कहें उससे उसका नुकसान नहीं होगा। और बल्कि कहा गया, काक कहे कलकंठ कठोरा, खग परिहास होए भीत मोरा। जिस तरह से कौआ कहे कि कोयल का वाणी बहुत कठोर होता है, यह तो स्वयं का अपना परिहास करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है यह तो भाई कोयल का ही मधुर होता है, कौवे का ही कठोर होता है, यही कहता है कि उसकी वाणी कठोर है, हमारी वाणी मधुर है, तो सुनने वाला तो समझता है बोले ना बोले। इसी प्रकार से कोई हमारा अनहित करता है, कोई हमारे बारे में अनादर करता है, कोई हमारी उपेक्षा करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है,
आपको अपनी समीक्षा करना है कि हमारे कर्म ठीक है कि नहीं, हमारे आचरण ठीक है कि नहीं, हम संत महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं। अगर हम पर चल रहे हैं, हम अपने आप को सही पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ठीक है। किसी तरह की घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मार्ग पर चलते जाइए, अपने गंतव्य तक आप पहुंचेंगे। दूसरे किसी के निरादर करने से और किसी को अपशब्द देने से अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो उसी के पास पड़ा रहेगा। कोई चीज हमको दे रहा है और हम उसको ना लें, हमारे जो वह नहीं है तो उसी के पास वह पड़ा रहेगा। कोई हमको गाली देता हो या हमको प्रशंसा देता हो या हमको अपशब्द देता हो, कुछ भी दे रहा हो, आपके योग्य नहीं है तो उसे स्वीकार मत करें, लेकिन उसके प्रति घृणा ना रखें, उसके प्रति आप द्वेष ना पालें अपने मन में। अगर आप द्वेष पाल लिए तो आपका नुकसान, क्योंकि संत लोग कहते हैं गहरा मार दिया चित से होता है। आप किसी को गहरा मार करना चाहते हैं तो अपने चित से ही बाहर कर दीजिए उसको, नहीं तो बार बार आपको परेशान करेगा, उसके बारे में बार बार चिंतन करेंगे, आपका समय का नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो कुछ भी है, हम समाज में जो कुछ भी करते हैं, हमारे कर्म सदैव भी पवित्र होने चाहिए, हमारा विचार सदैव भी पवित्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है मेरे अगल बगल, उसको हम देखी करते हुए हमें अपने जीवन को बढ़ना है। पहले अपने जीवन को महान बनाना है। जब हम अपने जीवन को महान बना लेंगे तो न चाहते हुए भी आपके मार्गदर्शन लेकर बहुत से लोग अच्छे दिशा में अपनी चल सकते हैं, नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी कम से सीख ले सकती है। आज हमको अच्छा संस्कार देना बहुत आवश्यक है बच्चों में, जो भविष्य में आपके परिवार को, आपके परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने वाले हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की क्षमता वाले बनने वाले हैं। तो अच्छे संस्कार देने के लिए हमारे पास कुछ संस्कार अच्छा होना चाहिए, माता पिता के पास, तो हम अच्छे संस्कार से संस्कारित हो, ध्यान धारणा पूजा पाठ में अपना समय लगाएं और मन में संस्कार मजबूत डालें। आप मन से जो है बात कीजिए, अगर आपको मन को समझाना है, मन को गलत दिशा में जाने से रोकना है तो आप प्रतिदिन मन से बात कीजिए, शांत एक जगह बैठ जाइए एकांत में कहीं भी और मन से बातें कीजिए, उससे कहिए, कहे मन तेरे अनुसार मैं बहुत दिन चला, तुमने जिन जिन भोग पदार्थों को कहा मैंने खोजा, तुम्हारा साथ दिया, तुमने उसको भोग किया, क्या तुमको शांति मिली, क्या तुम संतुष्ट हो, क्या वो तुम्हारी इच्छाएं नहीं है, क्या तुम इस तरह के भोग करके अपनी इच्छाओं को शांत कर सकते हो, यह बार बार अपने मन से बात कीजिए। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार इस तरह की बातें करेंगे और इन अच्छे विचारों का संस्कार घनीभूत होगा आपके मन के ऊपर, तो धीरे धीरे मन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो फिर बोलिए तब इन सब चीजों को छोड़ो जो भी तुम तो करते रहे हो, जिससे न तुमको अच्छी सुख मिली, न शांति मिली, न तृप्ति मिली, न तुमको आनंद मिला, तो इनको छोड़ो। अब मेरा साथ इसमें दो, अपने आत्माराम की तरफ बढ़ने में दो, अब संसार से हमको भटकने दो, संसार में भटकन से हमको रोकने दो, अब तुम हमारा साथ दो, अब हमें अभ्यंतर की यात्रा करना है, शांत होकर बैठ जाना है, मन को विचारों से खाली कर लेना है, सीधा मेरुदंड सीधा करके बैठना है, शरीर को हल्का करना है, मन को हर तरह के विचारों से खाली करना है और नेत्र को बंद कर लेना है। पहले दो चार बार अच्छे से श्वास ले लेना है, श्वास को छोड़ देना है, इसके बाद नेत्र बंद करके आप अपने अभ्यंतर में घुसने की कोशिश कीजिए, मन को रोक कर। तभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में शांति, आपके मन में स्थिरता, आपके मन में गंभीरता आना शुरू होगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है और अभ्यास निरंतर करना है।
अभ्यास करने से चित्त का निकम्मापन दूर होता है, चित्त पवित्र होता है और हमारे अंदर के सारे दुर्गुण दूर होकर पवित्रता में परिवर्तित होते हैं। तभी हमारा मनुष्य जीवन का जो यह मूल्यवान समय है इसका सदुपयोग हो पाएगा। नहीं तो मनुष्य अपने जीवन में जो चीजें प्राप्त करना है जिन चीजों को प्राप्ति के लिए यह जीवन मिला है, जिसके लिए कहा गया है बड़े भाग्य मानुष कर पावा सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा, वह कैसे प्राप्त होगा? जब तक इन अभ्यासों को नहीं करेंगे, कर्म भी करेंगे, कर्म तो करते ही हैं, लेकिन जब तक इसके लिए समय निकालकर प्रतिदिन सुबह शाम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम न मन से रोग को निकाल सकते हैं, न तन से अपने रोग को निकाल सकते हैं, न वाणी से रोग को निकाल सकते हैं। मन वचन कर्म से आप नियंत्रित नहीं है तो कुछ न कुछ आपसे गलत सही कार्य होते ही रहेगा, चाहे वाणी से ही किसी को बोलिएगा, चाहे विचार में भी किसी तरह का बुरा चिंतन कीजिएगा। ठीक है, किसी तरह के बुरे विचार को चिंतन करने से उसका बुरा हो ना हो, कहते हैं मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग में छूट दिया गया है कि आपका मानस मानसिक रूप से किसी तरह के किसी का बुरा सोचिएगा तो आपको पाप नहीं लगेगा। होए मानस पुण्य होए नहीं पापा, पुण्य होगा अगर अच्छे विचारों का चिंतन करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति तो होगी, लेकिन किसी बुरे विचार का चिंतन करेंगे तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन बुरे विचारों को बार बार चिंतन करने से हमारे मन पर बुरे संस्कार जम जाएंगे, बुरे संस्कार घनीभूत हो जाएंगे, फिर न चाहते हुए हमको बुरी दिशा में खेल खेले जाएंगे। हमको यही तो करना है, मन को संस्कारित करना है, मन को शांत करना है, मन में जो उद्वेग है इसको बाहर निकाल देना है। आपके मन में क्रोध है उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसको बाहर निकलने दीजिए। तो बाहर हम किस पर निकाले भाई क्रोध को? क्रोध को दबाने से और वह अंदर में आपको हलचल पैदा करेगा, क्रोध को बाहर निकालने से शांत होता है। इसलिए मन थिर कहा गया, मंदिर को मन थिर, मन मंदिर में जाकर के लोग उस देवता के पास या किसी संत के पास अपने मन के विचारों को व्यक्त कर देते हैं, उनका मन हल्का हो जाता, मन स्थिर हो जाता, मन स्थिर हो जाता किसी के सामने व्यक्त कर लेने से। लेकिन किसी के पास समय नहीं है कि हमारे मन की बात को सुन सके, इसीलिए तो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं और डॉक्टर के पास पैसा देकर के कहते हैं हमारी बात को सुनो, हमारे दुख को सुनो, और दुख ही वह सुनता है, उपाय बताता है, औषधि ज्यादा नहीं देता है। तो मन में विकार को दबा कर रखेंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका विकार परेशानी में आपको ले जा सकता है। तो किसी के सामने व्यक्त कर दो, जिसके सामने व्यक्त करने से आपको लगता हो वह किसी से कहे नहीं। नहीं तो बात यह भी है, कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी खिलई है लोग सब बांट में लई है होए। किसी के सामने व्यक्त कर दो तो पता चला वह तो आपको संतावना नहीं देगा, दुनिया भर में प्रचार करना शुरू कर दे, अरे इसके घर में तो ऐसा ही बोल रहा है, ऐसे घर में तो ऐसा है, पति पत्नी नहीं जमता है, सास बहू का नहीं जमता है, तो और आपके लिए वह संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसा जगह व्यक्त करते हैं, वह देवता जो मंदिर में बैठा है वह किसी के सामने आपकी बात व्यक्त करने वाला नहीं है, और न उसकी भाषा को कोई समझने वाला भी। जिसका पाचन क्रिया कमजोर होता है वो व्यक्त कर देता है, जिसका पाचन क्रिया मजबूत होता है वो बात को पचाता है। इसलिए संत के पास भी लोग अपने खुले मन से बातों को कहते हैं, एकांत में कहते हैं, जानते हैं कि यहाँ भी हमारी बात प्रचारित नहीं होगा, वह हो सकेगा तो आपको संतावना देगा, हो सकेगा तो आपको उसका उपाय बताएगा, कुछ औषधि बताएगा, लेकिन आपकी बातें प्रचारित नहीं होगी। तो इस तरह से अगर हम अपने मनोभाव को किसी के सामने व्यक्त कर लेते हैं, उसको दबाते नहीं है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो आप घर में कहेंगे आप कैसे अपने मन को हल्का करें, तो घर में आप पूजा का स्थान तो है, अपने घर में जाइए, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहां बैठ जाइए,
मैं तो बताता हूँ लोगों से, कई माताएं कहती हैं तुमको बहुत क्रोध आता है, मैं क्या करूँ, सब हमारे साथ बहुत अन्याय करते हैं, हमारी अनदेखी करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं। मैं बोलता हूँ आप पूजा रूम में बैठ जाइए और वहां बैठ कर खुल करके दरवाजा बंद करके अपने मन की बातें कीजिए, निकालिए, वह सुनेगा, आपका समाधान भी कर सकता है और आपका मन भी हल्का होगा। कहां जाइएगा बाहर के मंदिर खोजने, कहां जाइएगा साधु खोजने, संत खोजने जो आपकी बात को सुन सके। तो अपने मन को साफ करना है, मलिनता को दूर करना है, तो अपनी कमजोरियों को दबाने को बजाय बाहर निकालना चाहिए, और बाहर निकाल करके अपने मन को हल्का करना है, मन को पवित्र करना है, मन को अपने अनुकूल बनाना है। तो मन पर अच्छे विचारों को आपको बार बार चिंतन करके अच्छे संस्कार घनभूत करना है। मन जब तक साथ नहीं देगा तब तक कार्य नहीं बनेगा। मन ही मनुष्य को बंधन में फंसाता है, मन ही मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाता है। इसीलिए मन को अपने अनुकूल बनाना है, मन को पवित्र करना है, निर्मल करना है। निर्मल करने के लिए निष्काम कर्म करना है, ध्यान जप करना है, यह हमारे अंतःकरण को निर्मल करता है, हमारे पुराने संस्कारों को मिटाता है और पवित्र संस्कार हमारे अंदर डालने में मदद करता है और हर प्रकार के दुखों को अंत करने में भी यह मदद करता है। इसलिए हमारा जप अनुष्ठान होना चाहिए, माला फेरना महत्वपूर्ण चीज है, मंत्र का जाप करना यह हमारे जीवन को बहुत बड़ा सुरक्षा देता है। और गुरुजनों ने, संत महापुरुषों ने जो मार्ग हम लोगों को दिया है, जो हमारे लिए अकरणीय कहा है, उससे हमको सदैव दूर रहने की कोशिश करनी है। नहीं तो फिर आप चरित्रहीनता की स्थिति में जाएंगे, मर्यादा तोड़ने की स्थिति में जाएंगे, तो अपने चरित्र की संपत्ति को बचा कर रखना है, तभी आप किसी भी जीवन में हो, चाहे गृहस्थ जीवन में हो, चाहे साधु जीवन, संत के जीवन में भी चरित्र और ज्ञान का महत्व है। चरित्र और ज्ञान ही उसकी संपत्ति होता है, ढेला पत्थर उसकी संपत्ति नहीं होता। यह तो सब आने वाले दर्शनार्थी लोगों को सुविधा के लिए दिखाई देता है। जो आते हैं वो शांति से बैठकर एक छाया में ध्यान कर सके, धारणा कर सके, पूजा कर सके, उनके सुविधा के लिए यह संपत्ति है। यह किसी संत का व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है, यह समाज का संपत्ति होता है। इसलिए जो है आश्रम जो है समाज का संपत्ति है, क्योंकि वह समाज को मार्गदर्शन देता है, समाज को एक दिशा देता है, उस दिशा पर चलकर समाज के लोग अंतःकरण को पवित्र करते हैं और अंदर में जो बुराई है, गंदगी है, उसको दूर कर प्रेम भाव से दूसरे के साथ रहना सीखते हैं। नहीं तो समाज में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत फैला हुआ है, किसी का किसी से नहीं जमता है, दूसरे का जो पैर खींचने के लिए आदमी लगा हुआ है। ऐसा स्थिति रहे और उसमें हमको अच्छा वातावरण नहीं मिले तो हम कैसे अपने मानसिक विकास कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर चेतना को जगा सकते हैं। हमारे अंदर में तो वह चेतना है, वह प्रज्वलित है और वह बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर है, वह बाहर भी है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण है, आवरण, वह आवरण से ढका हुआ है। वह नाम का आवरण है, रूप का आवरण है, माया का आवरण है, माया का आवरण से भी ढका होता है। जिस प्रकार कमल के पत्ते से जल ढका रहता है, दूर से देखिए जल दिखाई नहीं देता है, इतना सघन अगर रहे, पुरैन सघन ओट जल देख न पाइए मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जिस प्रकार से वह जल कमल के पत्ते से छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म भी माया से ढका हुआ है, माया का आवरण उसके ऊपर पड़ा है, इसीलिए बाहर दिखाई नहीं देता रहते हुए भी, और अंदर भी हमारा आवरण है। जैसे एक दीपक जल रहा हो और उसको एक मिट्टी के पात्र से ढक दिया जाए तो दीप जल रहा है, प्रकाश वहां से निकल रहा है, लेकिन वह प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके ऊपर एक आवरण ढका हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश है, अब आपको आवरण को तोड़ना होगा।
उस रावण को एक डंडा से मारिए, टूट जाएगा, प्रकाश साक्षात्कार हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके अंदर में जो आवरण है उस आवरण को तोड़िए, वो डंडे से नहीं तोड़ सकते हैं, इससे तोड़ सकते हैं, या जो अभ्यास चल रहा है इसी से तोड़ सकते हैं। वो आवरण इसे उठेगा, अंतःकरण पवित्र होगा तो आपको अमृत तत्व की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। वह ज्ञान ही मोक्ष है। क्या ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष मतलब सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा। सभी प्रकार के दुख कब तक हैं? जब तक हम शरीर हैं। शरीर में ही दुख होता है, शरीर में ही हर प्रकार की व्याधि होता है, शरीर में ही तीनों ताप होता है, दैहिक दैविक भौतिक। तो हम शरीर जब नहीं है, यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर कहां उसका न जन्म होता है न मरण होता है। इसीलिए महापुरुष लोग जो जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं, उनको दुख विलास नहीं होता है। तो आदमी बुढ़ापा में बहुत रोता है, चिल्लाता है, अरे हमारा सब छूट रहा है, बाल बच्चे सब छूट रहे हैं, हमारे बाद इनको कौन देखेगा, कैसे चलेगा, अरे इतने लोग चले गए, संसार अपना चलते ही जा रहा, आपके बिना भी यह चल जाएगा। आप अगर उस समय बुरे विचारों का चिंतन करते हैं, माया का चिंतन करते हैं, तो जरा भरत जी जैसे फिर आपको एक जोनी लेना पड़ सकता है जन्म। अच्छे विचार चिंतन करते हुए मनुष्य जाता है तो वह अच्छी गति को प्राप्त करता है, और उस समय मायावी विचारों को चिंतन करता है तो उसी जोनी में उसको जाना पड़ता है। ऐसा हम लोगों के शास्त्रों में दृष्टांत है। जब भरत जी बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, जंगल में कुटिया में तपस्या करते थे, अब एक दिन बाढ़ आया हुआ था नदी में, एक उसमें जो है मृगा था, मृगा पार हो रहा था, वो जो है गर्भिणी थी, मृगा निकल रही थी जल से, तो उस धार से उसका प्रसव हो गया उस बीच में, उस जल के दबाव से वो बच्चा बहने लगा। वो बैठ के देख रहे थे किनारे पर अपने कुटिया से, उन्होंने सोचा इस बच्चे को हमें बचाना है, उसके पीछे चले, धीरे धीरे दूर जाते जाते वो किनारे लगा, उसको छान करके ले लिए। अब उसको वो चारा देते थे, चारा खिलाने लगे, देख रेख करने लगे, अब जहां उनका पूरा श्याम समय अपने ध्यान में लगता था उसमें से कुछ समय बंटवारा होने लगा, उसके प्रति उनकी प्रगाढ़ता बढ़ती गई, आसक्ति बढ़ती गई, उसके लिए ज्यादा समय निकलते गया, और अंत में शरीर छूटना हुआ तो भी उनके मन में आ गया, अरे मृगा को क्या हुआ, कोई इसको जो है मार न दे, कोई पहेलिया न मार दे, शिकारी या कोई शेर न मार दे, ऐसा सोचते हुए उनका प्राण निकल गया। एक जन्म उनको, उतना दिन के तपस्वी को एक बार उनको फिर जो है मृगा की दुनिया में जाना पड़ गया। ऐसा है और सत्य है। इसीलिए आपका जो है जीवन, इसलिए कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसका दो अर्थ है, जन्म जन्म भर आप जतन करते हैं लेकिन अंत में राम कहने नहीं आता, भूल जाता है, और जो राम कह दिया, अंत राम कही आवत नाही, अंत में राम निकल गया तो फिर दोबारा आपको आना नहीं पड़ेगा, आवागमन से भी अपरहित हो जाएंगे। यह है उसका, आवागमन से रहित होना है। इसीलिए देखते हैं बूढ़े बुजुर्गों के, देखते हैं कभी इनका आखिरी समय है तो रामायण पढ़ते हैं, गीता सुनाते हैं, उनका ध्यान माया मोह में ना फंसे, इधर उधर लोगों में ना फंसे, भगवान पे ध्यान रहे, उसको सुनते हुए अपना शरीर का परित्याग करें ताकि इनको आना ना पड़े। लेकिन जीवन में जो अभ्यास ही नहीं किया है तो आखिर उसके कान में कितना भी आप बोलिए राम राम, बहुत कठिन है। जिस तरह से जीवन भर आप सिखाते हैं तोते को चना खिला खिला कर सीताराम सीताराम, लेकिन बिलाई पकड़ती है तो करता है कहां है कहां, उसका जो असली आवाज आ जाता है सीताराम भूल जाता है। आपको भी ठोकर लगता है तो आप भी जो है सीताराम या जय माई जय भगवती या जय भगवान नहीं कहते हैं, आप भी आह माई आह बाबू कहने शुरू कर देते हैं। 80% लोग आप अनुभव कर लीजिए, आपको ठोकर लगा कहीं कुछ हुआ, अरे बाप कहते हैं, अरे माई कहते हैं, कौन बाप माई को कहते हैं। अगर आप परमात्मा को पिता मानकर और भगवती को माता मानकर याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपका अभ्यास सही है। लेकिन आप सोचिए किसको याद करते हैं, अगर उसको नहीं, इस जन्म देने वाले खाली माता पिता को याद करेंगे तो आपका पूरा कल्याण नहीं होगा। उनके प्रति दायित्व तो है, हमारा जिम्मेदारी है, उसको निभाना है, लेकिन आसक्ति में नहीं फंसना है, ना उनको आसक्ति में फंसाना है, उनको भी आसक्ति से दूर रखना, अपने को भी आसक्ति से दूर रखना। तो बस
यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि हम लोग को जीवन भर अच्छे विचारों का अभ्यास करना है ताकि अंत में भी हमारा अच्छा विचार बना रहे और अच्छा विचार अंत में चिंतन करते हुए हम जाएं, और हो सके तो इस जीवन में ही हमारा ज्ञान जागृत हो जाए कि हम अपने को पहचान ले, फिर तो कोई विचार प्रभावित नहीं करेगा। तो इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है और अभ्यास निरंतर होना चाहिए और इसके अभ्यास को वो महत्व को आपको समझना होगा कि यह बहुत जरूरी है। और बात करने में गप मारने में जितना आपको रस मिलता है, कितना रस मिलता है, इसीलिए पूज्य अग्रेश्वर कहते हैं, अरे जिसे सुनना है उसे तुम नहीं सुन पाते हो और जिसे नहीं सुनना है उसे तुम कान पार कर सुनते हो। मतलब आप किसी की बुराई करते रहिए, देखिए एकदम कई लोग आएंगे कान को सटा देंगे, मैंने उनको उसमें रस मिलता है दूसरे की बुरी चीजों को सुनने में, बुरी बातों को सुनने में। और भगवान की कथा होता है तो वहां दूर से ही रास्ता पकड़ कर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इसका हमारा अभ्यास बना है, तो हमें अपने अभ्यास को बदलना है, इस अभ्यास में परिवर्तन लाना है कि हम अब जो है छाइयों को सुनने का प्रयास करेंगे, जहां बुराई हो रहा है कान में रुई डालो, उंगली दबाओ, हट जाओ, क्योंकि उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, समय का दुरुपयोग होगा। अपने समय का किसी भी हाल में एक एक क्षण, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम, एक एक क्षण का प्रत्याग करने से वाला विद्वान नहीं हो सकता, एक एक कण को जो है देखी करने वाला धनवान नहीं हो सकता। एक एक कण को महत्व देना है, एक एक क्षण को महत्व देना है। हम एक एक क्षण को महत्व देंगे तो हम सही इंसान बनेंगे, सही मनुष्य बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, ध्यानी बनेंगे, योगी बनेंगे, जो कुछ भी बनना है बन सकते हैं अपने समय का सदुपयोग करके। इसीलिए संत महापुरुष गुरुजनों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का अपना अभ्यास कीजिए, बताए गए मंत्र का निरंतर जप कीजिए, उसमें कोई कोताही मत कीजिए, कोई आलसीपन मत कीजिए। मान लीजिए कि अब हमारे लिए बहुत आवश्यक है तो आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके जीवन की कठिनाई, आने वाला अवरोध सब कुछ दूर होगा, आपका ये जीवन सरल सुगम गति से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ने लगेगा। बस यहीं पर आगे कार्यक्रम देखते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस भगवती को प्रणाम करता हूँ, छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्य समाप्त करेंगे। आत्मा राम
राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम you